गर्मी के मौसम में भी ओला पड़ने लगा है, जिसका पेट भरा है वो बेवजह लड़ने लगा है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र चल रहा है और ऐसे में तमाम राजनीतिक दल के नेता अपने अलग अलग अंदाज में सरकार को घेर रखी हैं। इस बीच ओपी राजभर भी अपने खास अंदाज से सरकार पर प्रहार कर रखी हैं। लेकिन ओपी राजभर के खास अंदाज को देखकर अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ की टेंशन भी बढ़ सकती है। आखिर क्या है वो वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। विधानसभा में सुभाषपा प्रमुख ओपी राजभर एक अलग अंदाज में नजर आ रखे हैं। यूं तो अक्सर राजभर अपने अंदाज को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन जिस अंदाज में ओपी राजभर विधानसभा में नजर आ रखे हैं, उसे देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। एक देश एक राशन कार्ड, वित्त मंत्री जी खड़ा होकर बड़ी देरी ले एक घंटा के ऊपर पढ़े, उसमें लिखा हुआ है कि एक देश एक राशन कार्ड, एक उद्योगपति एक देश एक राशन कार्ड। तो माननीय अधिष्ठाता महोदय, जब एक देश एक राशन कार्ड, एक देश एक टेस्ट की बात हो रही है, तो एक देश एक समान शिक्षा की बात क्यों नहीं हो रही है? इतना ही नहीं, आलम यह है कि जिस अंदाज में बेरोजगारी और गरीबों को लेकर आवाज उठा रहे हैं, उसे देखकर यकीनन जनता खुद हैरान होगी। लेकिन जिस अंदाज में खुलकर राजभर सरकार पर हमला कर रही हैं, वो बेहद हैरान करने वाला है। बिजली, माननीय अधिष्ठाता महोदय, ऊर्जा मंत्री जी चले गए, मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि जो बिजली का मीटर लगा है, वो हवा से भी मीटर चल रहा है इस समय। मैं निवेदन करूंगा कि 10 प्राइवेट दुकान से 10 मीटर खरीदवा लीजिए और 10 जगह उपभोक्ता के यहाँ लगवा दीजिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितने मीटर लगे हैं वो दिन दूना रात चौगुना मीटर फेंक रहे हैं। अगर आप 7 रुपया यूनिट बिजली दे रहे हो तो 12 से 14 रुपया वो बिल दे रहा है। ये जो मीटर लगा हुआ उसका रिजल्ट आ रहा है। इस नाते सरकारी प्राइवेट दुकानों से 10 मीटर खरीदवा करके उपभोक्ता के यहाँ लगवा करके आप चेक करा लो। इतना ही नहीं, ओपी राजभर गाय के चारे को लेकर और मात्र 30 रुपए मिलने के नाम पर सरकार पर जोरदार प्रहार कर रहे हैं। और गौशाला पशुओं को खिला 30 रुपया में गाय भैंस खियावल जाता, गाय आदमी का तो 30 रुपया में पेटा नहीं भराता, आदमी का तो 30 रुपया में पेटा नहीं भराता। यहाँ मैंने जितना लोग भाई भाई 30 रुपया में कोई खाता ही का, कोई 30 रुपया में खाता ही? 30 रुपया में गाय के किया हुआ का देखभाल माल पूरे बजट में 30 रुपया। माननीय वित्त मंत्री जी जरा देखवा लीजिए, 100 गाय जाके तो बनारस, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर, चंदौली, उधनिया, बहुत गौशाला पूरे फोटो मंगवा लीजिए या डीएम से मतलब चेक करा लीजिएगा। हालत वो हो गई है गौशालाओं की कि जो गाय स्वस्थ गई गौशाला में इस समय डुगुर डुगुर कर रही है। अब ओपी राजभर के इस अंदाज को वित्त मंत्री सुरेश खन्ना भी समझ रहे हैं और वित्त मंत्री भी अपने अंदाज में जवाब भी दे रहे हैं। हम बजट में जो आपने बातें उठाई उसका जवाब तो बाद में देंगे, लेकिन मुझे एक शेर याद आ गया। एक शायर ने कहा था कि इस जमाने में जीने का हक उसी को है जो उधर का दिखता रहे और इधर का हो जाए। अब आप वित्त मंत्री की बात सुनकर समझ तो गए होंगे कि ओपी राजभर से वो क्या कहना चाहते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि जिस अंदाज में ओपी राजभर इन दिनों विधानसभा में नजर आ रहे हैं, उससे कई नेताओं की टेंशन जरूर बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज़।